बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां सियासी बवाल के बीच कल कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कैप्टन बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने कैप्टन पर ही छोड़ दिया है। बीजेपी ने कैप्टन को यह भी विकल्प दिया है कि पंजाब में बीजेपी उन्हें अलग से सपोर्ट कर सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कल अमित शाह से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन क्या बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से इस फैसले को छोड़ दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, कि वो ये तय करें कि उन्हें पार्टी में आना है या नहीं, और चाहे तो ये विकल्प भी दिया है कि पंजाब में बीजेपी अलग से उन्हें सपोर्ट कर सकती है। हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर के पर अपडेट के साथ। नीरज, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के निगोशिएशन में अपने आप को वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुलाकात तो कर ली और उसके बाद का लेकिन अपडेट अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। और भाजपा ने एक दो टूक कैप्टन अमरिंदर सिंह को संदेश दे दिया है, बोल दिया है कि आप तय करें कि आपको क्या करना है, अब सब कुछ आपको तय करना है। यदि आप भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उसके लिए दरवाजे खुले। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि जो अच्छे लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनको पार्टी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये भी भाजपा डिसाइड करेगी कि आपका अगला मूव क्या होता है। आप ये तय करें, ये क्लियर करें कि आप भाजपा में आना चाहते जी या अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं या कोई और मूव करना चाहते हैं। भाजपा को ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के साथ जो निगोशिएशन उनका इंटरनली चल रहा है उसमें वो भाजपा का चेहरा दिखा के अपना निगोशिएशन और मजबूत कर ले और उसमें भाजपा इस्तेमाल हो जाए, तो भाजपा इससे बचना चाहती है। इसीलिए भाजपा ने कल के बाद की प्रोसीडिंग अभी फिलहाल रोक दी है। भाजपा ये चाहती है कि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद डिसाइड करे कि वो क्या चाहते हैं। तो कुल मिलाकर नीरज, आप कह रहे हैं गेंद अभी कैप्टन के पाले में है, उन्हें तय करना है कि आगे वो क्या करते हैं। इस खबर पर अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे। तो पंजाब की गतिविधियों पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं चंडीगढ़ से। मेरे साथ जुड़ रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल, उनका मैं रुख करूंगी। उसके अलावा लुधियाना से अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या कुछ होता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। और उसके अलावा पटियाला भी चलेंगे, जहां नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वहां पर मौजूद है संवाददाता सचिन कुमार। तो एक एक कर सभी का रुख करूंगी। सबसे पहले जगविंदर पटियाल, आप ही से सवाल। अमित शाह से कैप्टन की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में समझ पाना बेहद मुश्किल है कि अब क्या होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि पंजाब का कोई भी सिख नेता हो, वो इस वक्त बीजेपी में तब तक नहीं जा सकता जब तक किसान आंदोलन का मसला हल नहीं होता। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में जाने की बात हो या फिर उनके साथ अलायंस करने की बात हो, मुझे लगता है कि जब तक किसान धरने पर बैठे हुए हैं तब तक अमरिंदर सिंह ये जोखिम नहीं उठाएंगे, उनकी पूरी सियासत की किरकिरी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर अमरिंदर सिंह को सपोर्ट करने की बात बीजेपी कर रही है, तो ये वही फार्मूला है जो सुखदेव सिंह ढींडसा के लिए तैयार किया गया था। और देव सिंह ढींडसा और परमिंदर ढींडसा, जो उनके बेटे थे और 5 बार एमएलए थे अकाली दल के, वो अकाली दल से जुदा हो गए थे। ये पूरी जो तस्वीर है ये बीजेपी ने तब भी तैयार की थी जब किसान आंदोलन नहीं चल रहा था, लेकिन वो ढींडसा फैक्टर एकदम फीका पड़ गया जैसे ही किसान आंदोलन आया और ढींडसा साहब और उनके बेटे हाशिए पर चले गए। आज की तारीख में कैप्टन बिना किसानों का मसला सुलझाए बीजेपी का सहयोग लेने या बीजेपी में जाने की बात नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस नाराज है नवजोत सिंह सिद्धू के उस फैसले से जो उन्होंने इस्तीफा देकर किया, लेकिन साथ ही मुझे ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू तब तक इस्तीफा वापस नहीं लेंगे जब तक डीजी और जो एडवोकेट जनरल हैं उनको बदलने की विचार या बात नहीं होती है या उनको बदला नहीं जाता है। एक नई यहां पर जो है वो डायमेंशन शुरू हो गई है, खासकर जो फैसले हो रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा जो जट सिख समुदाय है उसमें अलग तरह की नाराजगी देखी जा रही है। उनको ये लग रहा है कि जो तमाम नियुक्तियों हो रही हैं उनमें जट सिख लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, और ये चर्चा कल से लगातार गांव में भी होने लगी है। तो ये कांग्रेस के लिए एक और खतरे की घंटी है, कहीं ऐसा ना हो कि दलित वोट बैंक को सेंधने के चक्कर में जट सिख, जो कि कोर ग्रुप माना जाता है पंजाब का, वो कांग्रेस से दूर होता चला जाए। और नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि चन्नी ना सिर्फ अपनी मर्जी से बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, साथ ही
वो मनप्रीत बादल की सलाह पर चल रहे हैं जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो सिद्धू को ये भी गवारा नहीं है कि आखिरकार चन्नी को मनप्रीत सिंह बादल क्यों चला रहे हैं। तो ये सारी जो राजनीति है कांग्रेस की ये आगे चलकर उसको परेशान कर सकती है। दो दिन हो चुके हैं, मसला सुलझा नहीं है और आगे ये 24 घंटे तक ऐसे ही लटकता रहा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस किसी और पड़ाव पर ही ना चली जाए। बिल्कुल, सचिन कुमार का रुख कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का घर है पटियाला में, वहीं पर वो मौजूद भी है, लगभग हर नाव की सवारी कर चुके हैं सिद्धू। अब उनका अगला कदम क्या होगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि ये तो साफ कर दिया गया है कि अगर इस्तीफा वापस नहीं लेते वो तो मंजूर हो ही जाएगा। जी जी बिल्कुल, हम नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर इस वक्त खड़े हैं और 10 बज चुके हैं और कोई भी पंजाब कांग्रेस का बड़ा नेता अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि पिछली रात तक जो हैं पंजाब कांग्रेस के MLAs लीडर्स जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर आते रहे हैं, देर रात तक ये सिलसिला चला था, पर आज सुबह जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये दिखा रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के घर पे अभी तक कोई लीडर जो है यहाँ पहुँचा नहीं है। हालांकि इसके मायने कई निकाले जा सकते हैं कि हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से मूव करें चंडीगढ़ की तरफ, इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, या चरणजीत सिंह चन्नी खुद आ सकते हैं यहाँ, जो पिछले शाम से जिस तरीके की चर्चा थी। पर अभी तक हम ये कह सकते हैं कि एक सन्नाटा जो है नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर इस वक्त है। कुछ एक लीडर्स जो हैं, छोटे लीडर्स जो हैं, वो आ रहे हैं मिलने के लिए जी, बट अदरवाइज नवजोत सिंह सिद्धू कल जहां पर हलचल थी आज वहां पर शांति है, सन्नाटा है। ऐसे में क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। ABP News आपको रखे आगे।